Hello everyone, as we are in the process of completing our chapter, we are going to start today our part number 3 of our chapter number 4, Democratic Republic of the Congo. In this part, I am going to explain you the vegetation of this country. Okay, so let's start. Vegetation. Hot and humid climate helps the plants to grow faster. The land is covered with extensive equatorial forest. जब क्लाइमेट गर्म होता है और ह्यूमिड होता है, बहुत गर्म और बहुत सारी ह्यूमिडिटी जब उसमें प्रेजेंट रहती है, तब क्या होता है, प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलती है. सो इससे क्या होता है, प्लांट्स जल्दी ग्रो करते हैं. ठीक है. और वहाँ का लैंड कैसा है, द लैंड इज़ कवर्ड विथ एक्सटेंसिव इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. एक्सटेंसिव का मीनिंग होता है बहुत बड़ा, और इक्वेटोरियल का मैंने बताया मीनिंग कि ऐसा रीजन जो इक्वेटर के पास सिचुएटेड है. तो वहाँ का जो एरिया है, जो लैंड है, वो किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट से, ट्रीज एंड प्लांट से कवर्ड है. ठीक है. दीज फॉरेस्ट हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन अ स्मॉल एरिया. यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर कई वेराइटी के, कई प्रकार के आपको ट्रीज एंड प्लांट्स एक छोटे से एरिया में ही देखने मिल जाएंगे. एज अ रिजल्ट दीज ट्रीज कम्पीट विथ ईच अदर फॉर सनलाइट. अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जब छोटा एरिया है, ठीक है, कम एरिया है और कई टाइप के प्लांट्स ट्रीज वहाँ पर हैं, सो इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि जो ट्रीज हैं वो आपस में ही कम्पीट कर रहे हैं. ठीक है, आपस में ही लड़ रहे हैं किस चीज़ के लिए, सनलाइट के लिए. ठीक है, जब एकदम घना जंगल हो जाएगा तो क्या वहाँ पर पॉसिबल है कि सनलाइट पहुँच पाए, क्योंकि वो ऊपर ही कवर्ड हो जाएगी ना. ठीक है. दे आर मोर देन 40 meters इन हाइट एंड फॉर्म अ कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप. जनरली उन ट्रीज की हाइट कितनी होती है, 40 meters, एंड दे फॉर्म अ कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप. और जो लीव्स होती हैं उससे ऐसा शो होता है कि उन्होंने कैनोपी फॉर्म कर ली है. कैनोपी का मतलब क्या होता है, जैसे हम शेल्टर बना लेते हैं ना, अपना रूफ बना लेते हैं, वैसा ही होता है कैनोपी. तो ऐसा शो होता है कि उन्होंने साथ मिलके कैसा बना लिया, एक शेल्टर टाइप बना लिया है. ठीक है. दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट जो हैं, ये जो जंगल हैं, ये पूरे साल हरे भरे होते हैं. थ्रू आउट का मतलब होता है हर जगह. ठीक है, हर टाइम पर ये हरे हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको और क्या कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट. देयर इज डेंस ग्रोथ ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स विच आर फुल ऑफ फ्लावर्स. यहाँ पर डेंस का मतलब होता है घना. यहाँ पर क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी बहुत देखने मिलते हैं. क्रीपर्स का मतलब क्या, लताएँ जो होती हैं. ठीक है. और क्लाइंबर्स का मतलब जो बेल हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स. विच आर फुल ऑफ फ्लावर्स, इनमें आपको और क्या देखने मिलेगा, फ्लावर्स भी देखने मिलेंगे. सो क्या बताया उन्होंने कि यहाँ पर जो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स हैं वो भी बहुत घने एरिया में फैले हुए हैं. ठीक है. मीन्स उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. मैनी इंपॉर्टेंट ट्रीज लाइक रबर, कोकोनट, बैम्बू एंड ऑयल पाम्स ग्रो हेयर. कई इंपॉर्टेंट ट्रीज भी यहाँ ग्रो होते हैं, लाइक रबर, कोकोनट, बैम्बू, ऑयल पाम्स. दीज फॉरेस्ट हैव अ लार्ज रिजर्व ऑफ हार्डवुड ट्रीज लाइक महोगनी, इबोनी एसेट्रा. दीज ट्रीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज. क्या है, इन फॉरेस्ट में, इन जंगल में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज देखने मिलेंगे, लाइक महोगनी, इबोनी. इनकी जो वुड होती है, जो लकड़ी है, वो बड़ी हार्ड होती है. ठीक है. तो इससे क्या होता है, इन ट्रीज की हेल्प से जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है. अब रॉ मटेरियल प्रोवाइड होगा तो वो क्या कर पाएंगे, फर्नीचर बना पाएंगे. राइट. ठीक है. द फॉरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स. पहले हम देख लेते हैं इस फॉरेस्ट को. ये देखिए, इससे हमको शो हो रहा है कि इस छोटे से एरिया में ही कितने सारे ट्रीज प्लांट्स प्रेजेंट हैं, कितना घना जंगल है. अब ये जो फॉरेस्ट हैं वो हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं. हैबिटेट का मतलब क्या है, जगह देना. ठीक है. ओके. जगह प्रोवाइड करवाते हैं किनको, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, कई तरह के एनिमल्स को, बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को, इंसेक्ट्स को. ठीक है. हिप्पोपोटेमसेस
gorillas, giraffes, chimpanzees, elephants, monkeys and baboons roam through the forest. कुछ animals हैं, ये roam का मतलब क्या होता है? घूमना, ठीक है, यहाँ से वहाँ. तो आपको ये animals वहाँ पर मिलेंगे. These forests have reptiles like snakes and pythons in abundance. वहाँ पर reptiles भी मिलते हैं हमको, ठीक है, कौन से? Snakes, pythons, ठीक है. The rivers are full of alligators and crocodiles. जो river हैं, river बताया था मैंने, Congo river, और lakes भी हैं. तो क्या बताया उन्होंने? The rivers are full of alligators. Alligators मिलेंगे, crocodiles मिलेंगे. A special mammal called the okapi, with head resembling a giraffe and body resembling a zebra, is found in the forest of Congo. एक special mammal है, ठीक है. Mammal कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को, ठीक है, जो उनके बच्चे होते हैं उनको क्या पिलाते हैं? मिल्क, ठीक है. तो जो स्पेशल मैमल है ओकापी, उसका जो हेड है, ये हेड दिख रहा होगा आपको, जो हेड है वो रिजेम्बलिंग, रिजेम्बलिंग का मतलब होता है मिलते जुलते, ठीक है. जो उसका हेड है वो किससे मिलता है? जेब्रा से, जेब्रा एनिमल जो है उससे मिलता है. एंड जो हेड है वो जिराफ से मिलता है, ठीक है, सॉरी. और जो बॉडी है वो किससे रिसेम्बल करती है? जेब्रा से. इस फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो, वो इस फॉरेस्ट में हमको मिलते हैं. दस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लुक्स लाइक अ जैगेंटिक जू, एक बहुत बड़े जू जैसा दिखता है हमको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. अब ये क्यों है? बिकॉज यहाँ पर इतने सारे एनिमल्स मिल रहे हैं हमको, ठीक है, बर्ड्स मिल रहे हैं, इंसेक्ट्स मिल रहे हैं, एक प्लेस प्रोवाइड करवा रहा है वो पूरे बर्ड्स इंसेक्ट्स को, ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली हंटिंग हैज़ रिड्यूस द एनिमल लाइफ इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. बट क्या हुआ है, जब हंटिंग होने लगी है, शिकार होने लगे, उससे क्या हुआ कि जो एनिमल्स थे, एनिमल्स या बर्ड्स, उससे क्या हुआ, उनका जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो गई, अब वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है. ओके, so this is all for the video everyone. Today we again completed our topic vegetation. With that I also explained you wildlife of that country, the animals, insects, reptiles which are found in the dense forest of Democratic Republic of the Congo we have seen. Okay, so I hope you all understood and got the knowledge which animals are there, what type of vegetation is there. Okay, thank you.